लेवल में कोई बदलाव भी हो सकता है क्या? क्योंकि कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि ये शायद ऐसे कुछ बिंदु हैं जिन पर एनसीईआरटी फोकस कर रहा है कि ऑड इवन रोल नंबर्स के हिसाब से बुलाया जाए, आने का वक्त बदला जाए, टाइम टेबल में कुछ बदलाव किया जाए, तो क्या कुछ ऐसे बिंदु हैं जो विचाराधीन हैं? देखिए, अभी तो हमारे सामने जो तात्कालिक है, अभी ऑनलाइन कैसे करके उसको हम पाठ्यक्रम दें, दूसरा तात्कालिक ये है कि हम जो बची हुई परीक्षाएं उनको कैसे करें, और फिर तीसरा चरण है कि जब हम इस स्थिति में तैयार हो जाएंगे तब उसको स्कूल तक लाना है। पाठ्यक्रम की जो आपने चर्चा की है, हम लोगों ने एनसीईआरटी ने वैकल्पिक कैलेंडर दिया है, क्योंकि अभी जो स्कूल का जो पाठ्यक्रम था और आज वो घर पर है, एक ही एक ऐसी परिस्थिति आई है कि ना छात्र को पता था, ना अभिभावक को पता था, ना हमको पता था, ना देश को पता था, ना दुनिया को पता था कि ये कहीं कैसे गहरे संकट से होकर के पूरी मानवता गुजरेगी। तो हमारा जो छात्र है उसको कैसे करके हम अभी संशोधित पाठ्यक्रम दें ताकि ज्यादा भार भी महसूस न हो और वो लगातार पढ़ने की ओर अभिभावक और अध्यापक दोनों मिलकर के उसको उस पाठ्यक्रम को सुनिश्चित करा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास गाजियाबाद से मृगांक श्रीवास्तव, इन्होंने फेसबुक पेज पर अपना सवाल रखा है। इन्होंने बोला है कि चूंकि हम जानते हैं कि बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, डेट शीट आ चुकी है, तो अब जबकि बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जा रही है तो परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए सीबीएसई द्वारा कौन से प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा? मृगांक, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब भी हम ये परीक्षा करेंगे, और जैसे कि आपको पता है कि पहले हमने 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच सीबीएसई के जो बची हुई परीक्षाएं थी, कुछ हाई स्कूल की थी और इंटर की थी, तो जो बची हुई परीक्षाएं हैं उनको करने के लिए तिथि घोषित की थी। अब विषयवार भी तिथि सुनिश्चित आपको मिल गई है और हम लोग इसको सुनिश्चित करेंगे कि किस तरीके से सामाजिक दूरियां हम उसका पालन कर सकें। लेकिन आपके लिए एक अच्छी सूचना ये है कि जो आपकी परीक्षाएं होंगी वो अब आप ही के स्कूल में होंगी, दूसरी जगह आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। इसलिए आपके लिए ये सुखद समाचार है कि आप अपने स्कूल में परीक्षा देंगे और आपके स्कूल वाले, आपके अभिभावक अच्छी तरीके से जानते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से उनको स्वास्थ्य विभाग के उन निर्देशों का पालन करना है। जी, यानी अभी तक डॉक्टर निशंक जिस तरीके से बोर्ड की परीक्षाओं के लिए खासतौर पर सेंटर्स बनाए जाते थे जी, जी। और जो अपना स्कूल होता था उससे दूर कोई सेंटर बनाया जाता था, बिल्कुल अब ऐसा नहीं होगा। अब नहीं होगा, अपने ही स्कूल में जाना, इस समय वो अपने ही स्कूल में देगा इन परीक्षाओं को। जी जी, चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक और माय ट्विटर हैंडल पर एक सवाल आया है कि अब एग्जाम पेपर्स का मूल्यांकन शुरू हो चुका है तो उसको लेकर क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? अनूप, जो आपकी चिंता है और आपने भी कुछ विषयों की परीक्षा दी होगी और लगभग 171 प्रश्न पत्र पूरे हुए हैं जिसमें लगभग 1.5 करोड़ से भी अधिक जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनका जांचने का काम अभी शुरू किया है। आपको याद होगा कि पीछे के दिनों में हमने गृह मंत्री जी से निवेदन किया था और उनकी उन्होंने हमको ये छूट दी है, व्यवस्था दी है गृह मंत्रालय ने कि हम जो 3000 हमारे सीबीएसई के स्कूल हैं जो केंद्र जांच केंद्र बने हुए थे, उत्तर पुस्तिकाओं के जो जांच केंद्र थे, उन केंद्रों से अध्यापकों तक वो उत्तर पुस्तिकाएं पहुंचाई जाएंगी। वो युद्ध स्तर पर चल रहा है, 50 दिन के अंदर हम इस काम को पूरा करेंगे। इधर हमारी जो बची हुई परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को हम पूरा करेंगे, उधर जो हमारी उत्तर पुस्तिकाओं का जो मूल्यांकन है, जांच है, वो पूरी होगा और एक समयबद्ध तरीके से हम इसको रिजल्ट को आउट करेंगे। इन दोनों दिशाओं में हमारा तेजी से सीबीएसई बोर्ड काम कर रहा है। जी, तो ये सवाल जो हम अभी मंत्री जी से हमने पूछा था कि परीक्षा पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है और परीक्षाओं का परिणाम को लेकर भी मंत्री जी यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है, हम जानते हैं कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी हो रही है, लेकिन इसी के तहत एक सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि परीक्षाओं के परिणाम कब तक आ सकते हैं?
परीक्षाओं के परिणाम तो साथ साथ ही आएंगे, जैसे मैंने कहा कि जुलाई में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आपकी परीक्षाएं हो रही हैं और उधर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो रहा है, वो जांची जा रही हैं। मुझे भरोसा है कि जुलाई अंत में हम आपका परीक्षा परिणाम घोषित कर देंगे। जी अच्छा, ये तो हम स्कूल की बात कर रहे हैं मंत्री जी, लेकिन साथ ही साथ विश्वविद्यालयों को लेकर भी कई छात्रों के मन में सवाल है कि जो यूनिवर्सिटी की या कॉलेजेस के जो एग्जाम्स हैं उनको लेकर भी कई सवाल हमारे पास आए हैं। हमारे ट्विटर हैंडल पर सवेंग जैन सागर से उन्होंने ये सवाल पूछा है कि विश्वविद्यालय कब से शुरू होंगे और कैसे संभव होगी। मुझे लगता है कि ये भी UGC ने बहुत स्पष्ट किया है और UGC ने, जैसे कि आपको पता है कि UGC ने ये तय किया है, शैक्षणिक कैलेंडर भी जारी किया है और UGC ने कहा है कि 1 जुलाई से वो परीक्षाओं को कराएंगे। तो 1 जुलाई से जो उच्च शिक्षा की परीक्षाएं होंगी उसमें निश्चित रूप में वो जुलाई भर में सारी परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी और अगस्त से सत्र शुरू हो जाएगा। ये भी UGC ने निश्चित किया है, जो टास्क फोर्स था उस टास्क फोर्स में सुनिश्चित हुआ है कि यदि तब तक जुलाई तक भी कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जो ग्रीन जोन में नहीं आ पाएंगे तो वो जो बच्चे होंगे उन बच्चों की किस तरीके से परीक्षाएं होंगे उसके लिए भी मार्ग तय किया है। वो जो पहले सेमेस्टर के होंगे उनको 100% जो उनके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उनको पदोन्नति करेंगे, जो दूसरे तीसरे चौथे सेमेस्टर के होंगे उसमें वो जिस सेमेस्टर में हैं उसका आंतरिक मूल्यांकन 50% प्लस जो पीछे के सेमेस्टर में जो उसके अंक आए उसका। औसत बराबर उसका रिजल्ट घोषित होगा, लेकिन जो फाइनल वाले हैं जो अंतिम फाइनल वाले हैं उनकी परीक्षा जरूर होगी। तो इसमें आप किसी कतई नहीं होगा। शुभम पाठक अयोध्या से एक सवाल पूछ रहे हैं मंत्री जी कि जब भी नया सेशन होगा तो उस नए सेशन में कॉलेज में कक्षाएं कैसे चलाई जाएंगी, क्या उनके लिए भी कोई नए नियम, कोई नई गाइडलाइंस आएंगी जो दी जाएंगी। निश्चित रूप में शुभम, आप जान ही रहे हैं कि न केवल इस देश में बल्कि पूरी दुनिया में ये कोरोना का महासंकट चल रहा है और पूरी दुनिया का जो वातावरण कोरोना के बाद इस जो नई परिस्थितियां आएंगी उसमें न केवल शिक्षा बल्कि सामाजिक रूप में भी हर स्तर पर जो परिवर्तन होंगे वो उसका एक अंग शिक्षा भी होगा। तो किस तरीके से आगे जो परिस्थितियां रहेंगी, जो भी परिस्थितियां आएंगी उन्हीं परिस्थितियों में रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन रास्ता निकाला जाएगा और हर हालत में शिक्षा के स्तर को किसी कीमत पर न बाधित होने दिया जाएगा और न नीचे गिरने दिया जाएगा। ये हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। जी मंत्री जी, आपका ये जवाब हमारे अगले सवाल के लिए भी सही बैठता है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देती हूँ सवाल, क्योंकि नायक पूछ रहे हैं हमारे ट्विटर हैंडल पर कि अगर हालात जुलाई तक भी ना सुधरे तो जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनको लेकर क्या कुछ विशेष योजना है। अभी आपने मंत्री जी कहा कि जो अंतिम वर्ष के फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम जरूर होगा, तो ऐसे में अगर हालात ना सुधरे तो उनको लेकर क्या योजना है। नए कभी तो हमने मन बनाया हुआ है, जैसे कि आपको बताया कि जो फाइनल एग्जाम होगा, फाइनल वर्ष का जो है अंतिम वर्ष का जो
छात्र होगा उसकी परीक्षाएं जरूर होंगी और वो किस रूप में और किस तरीके से होंगे उस पर फिर आपको आगे बताया जाएगा जी। और अब चूंकि डॉक्टर निशांक हम जानते हैं कि डेट शीट आ गई है, 10वीं 12वीं की परीक्षाएं हो रही हैं, होंगी अब जल्दी, और उसको देखते हुए अब अगले सत्र के लिए भी सवाल उठने लगे हैं। अनिर्बन हमसे पूछ रहे हैं ट्विटर हैंडल पर कि 2020-21 का जो सत्र है उसके लिए 12वीं कक्षा का पाठ्यक्रम कितना कम होगा, क्या कम किया जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब एग्जाम्स भी लेट हो रहे हैं तो जाहिर है परिणाम भी लेट आएंगे, रिजल्ट लेट आएंगे, तो उनको देखते हुए अगले सत्र को लेकर ये सवाल पूछा गया है। अनिर्बन मुझे लगता है कि अब दो चीजें हैं अभी हमारे सामने, एक तो ये बड़ा संकट है और कितना हम समय को बांध पाते हैं, जोड़ पाते हैं, ये भविष्य में छिपा हुआ है, लेकिन हम उसको समय को पाटेंगे। दूसरा, आपको तो मालूम है कि यदि ये संभव हुआ कि इस देश में जिस तरीके से हम नई शिक्षा नीति को लेकर के भी आ रहे हैं, तो यदि तब तक वो नई शिक्षा नीति घोषित हो गई तो अगला जो समय होगा वो उस पाठ्यक्रम के अनुरूप कैसे होगा उस पर भी विचार की आवश्यकता है। लेकिन आप चिंता मत करिए, खूबसूरत पाठ्यक्रम भी होगा और समय के साथ बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ सकेंगे और आपको जो पाठ्यक्रम आएगा उसको आपको लगेगा कि हाँ आपकी मनस्थिति के अनुरूप और आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हर दिशा में वो पर्याप्त होगा जी। नरेश रावत दिल्ली से अपना सवाल पूछ रहे हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि लॉकडाउन से पहले ही स्कूल बंद कर दिए गए थे, शैक्षणिक संस्थान सबसे पहले बंद किए गए थे, तो ऐसे में उनका सवाल यह है कि फिर छात्र अपना पाठ्यक्रम कैसे पूरा करेंगे। मुझे लगता है कि आप तो पाठ्यक्रम में पूरा कर ही रहे हैं, अधिकांश छात्रों ने तो पूरा पाठ्यक्रम किया है और पाठ्यक्रम पूरे हुए हैं तभी जो परीक्षाएं हुई हैं। अधिकांश स्थानों पर तो बहुत सारे राज्यों ने तो परीक्षाएं करा भी दी थी जी। बहुत कुछ परीक्षाएं रह गई है, जो परीक्षाएं रह गई हैं उसको वो परीक्षाएं करा रहे हैं, तो पाठ्यक्रम तो पूरा है। लेकिन जहां पाठ्यक्रम मानो 1% आपकी बात से यदि हम सहमत भी हों तो जो पाठ्यक्रम रह गए हैं उसको अभिभावक और अध्यापक इस बीच ऑनलाइन से पूरा कर रहे हैं और मैं सभी को बात भी कर रहा हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि इस बीच अभिभावक और अध्यापक दोनों मिलकर के छात्रों के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं और उसके कोर्स को वो पूरा करवा रहे हैं जी। बिल्कुल, यहाँ पर फेसबुक पेज पर हमारे पास एक सवाल आया है, विपुल गुप्ता सोनीपत से ये सवाल लिख रहे हैं कि क्या परीक्षा के लिए सभी विश्वविद्यालयों को कॉमन गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं। दरअसल इनकी कुछ शिकायत भी थी कि जो गाइडलाइंस जारी की गई है उनका पालन यूनिवर्सिटीज नहीं कर रही है, तो क्या कुछ कॉमन गाइडलाइंस हो सकती है, हालांकि UGC की ओर से तो गाइडलाइंस या परामर्श दिया गया है। असलत में ये देश इतना बड़ा देश है, सबकी अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं और आप देखेंगे तो 1000 विश्वविद्यालय हैं देश के अंदर, 45,000 डिग्री कॉलेज हैं और 15,00,000 से अधिक स्कूल हैं, 1,00,00,000 से अधिक अध्यापक गण हैं और जैसे कि अभी ममता आप कह रही थी कि 33,00,00,000 से भी अधिक हमारे देश में छात्र छात्राएं हैं, तो सबकी परिस्थितियां क्योंकि अलग अलग हैं जी, तो सभी को एक गाइडलाइन नहीं दी जा सकती है, उनको उस दिशा में छूट होगी कि उनके राज्य में जो परिस्थितियां हैं उनके अनुरूप बेहतर क्या है, तो राज्य सरकार इसको सुनिश्चित करेंगे, राज्य सरकार शिक्षा विभाग वहां की परिस्थिति के अनुरूप, उदाहरण के लिए लद्दाख है, जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र है, अब वहां जो ठंडियां हिमपात होता है तो 3-4 महीने वो उस समय बंद रहता है, तो चाहते हैं कि अभी हो जाए, लेकिन कुछ स्थानों पर गर्मियों की छुट्टी होती है, तो इन परिस्थितियों में और उन भौगोलिक स्थितियों में जो भी विश्वविद्यालय बेहतर से बेहतर जो हो सकता है छात्रों के हित में वो निर्णय लिया जाएगा जी। विपुल गुप्ता एक और सवाल पूछ रहे हैं और अहम है ये सवाल क्योंकि छात्रों की मनस्थिति बेहतर होनी भी बहुत जरूरी है, उनका सवाल है फेसबुक पर, उन्होंने पूछा है कि कई विश्वविद्यालयों ने समस्याओं के समाधान के लिए कोई शिकायत निवारण सेल क्यों नहीं बनाया है। ऐसा नहीं है विपुल,
ना आपने तो शायद अभी कुछ दिन पहले मैंने बोला था, आपने मेरे ट्विटर पर भी देखा होगा, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने UGC के स्तर पर एक प्रकोष्ठ बनाया गया है और सभी विश्वविद्यालयों को ये कहा गया है कि छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए हर विश्वविद्यालय अपना एक अलग से प्रकोष्ठ गठित करेगा, और जितनी मुझे सूचनाएं हैं उस लगभग सब विश्वविद्यालयों ने अपना प्रकोष्ठ भी गठित किया है। यदि आपकी कोई शिकायत होगी तो उस प्रकोष्ठ में जरूर आप अपनी शिकायतों को दर्ज करें, और यदि आपके विश्वविद्यालय में शिकायत प्रकोष्ठ नहीं है 1%, वैसे जो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन यदि 1% ऐसी संभावना होगी तो मैं छात्रों से कहना चाहता हूं कि UGC का जो प्रकोष्ठ बना हुआ है आप जाकर के वो अपनी शिकायतों को उधर दर्ज करिए, आपको समाधान मिलेगा। जी मंत्री जी, वैसे नंबर भी, फोन नंबर भी दिया गया है अगर कोई शिकायत करनी हो तो, ईमेल भी दी गई है और पोर्टल भी बनाया गया है, तो विभिन्न आयाम उपस्थित है बच्चों के सामने, वो चाहे तो इन विभिन्न मंचों का प्रयोग कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलू शर्मा हमारे पास ट्विटर के जरिए अपना सवाल भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे जिनके पास ना तो मोबाइल है और ना ही टीवी है, ना लैपटॉप है, ना स्मार्टफोन्स हैं उनकी पढ़ाई को लेकर, क्योंकि ऐसा ही एक सवाल विशाल रहेल मुरादाबाद से भी पूछ रहे हैं, और ये शिक्षा की उपलब्धता और अवसर की समानता की बात कर रहे हैं कि इनको देखते हुए मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है, कैसे ये सुनिश्चित कर रहा है कि ऐसे हालात में सभी बच्चे अमीर हो या गरीब उन्हें शिक्षा हासिल हो सके। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर ये पहला ऐसा अवसर आया, और जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये कहा है कि जब भी चुनौतियां होती हैं, यदि चुनौतियों का ठीक से मुकाबला होता है तो अवसरों में तब्दील हो जाती हैं, और इस समय जो एक ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं देश के अंदर जो पूरे देश को ऑनलाइन पर लेकर के आई है, कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ऐसे समय में गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहा है, हमारी दीक्षा प्लेटफॉर्म है, ई पाठशाला है, स्वयं है और स्वयं प्रभा है, ये हमारी जो प्लेटफॉर्म है जो हम ऑनलाइन पाठ्यक्रम को दे रहे हैं, सभी इनके अंदर पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, जो आपकी दूसरी चिंता है कि जिस बच्चे के पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, जिसके पास कंप्यूटर नहीं है या नेट नहीं है, इसकी सुविधा नहीं है, वो कैसे करके पढ़ेगा। हम लोगों ने कोशिश ये की है कि जो हमारा स्वयं प्रभा के 32 चैनल हैं और 24 घंटे चलते हैं, DTH पर हैं, ये दूरदर्शन पर हैं, डिश TV पर हैं, टाटा स्काई पर हैं और रिलायंस TV पर हैं, उनको उनके माध्यम से हम सीधे बच्चे के तक जाएंगे। मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा कि TV किसी के पास नहीं होगा, लेकिन यदि नहीं भी होगा तो अगल बगल में जाकर के भी वो प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसका निश्चित होगा इस घंटे में ये सब्जेक्ट, इस घंटे में ये सब्जेक्ट, इस घंटे में ये सब्जेक्ट है, और भविष्य में हम रेडियो का भी उपयोग करेंगे। यदि इससे भी नहीं होगा तो आगे बहुत सारे विषयों पर हम सोच रहे हैं, लेकिन अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले बच्चे को भी शिक्षा से वो वंचित नहीं होगा, ये हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं। जी मंत्री जी, जैसा कि हम जानते ही हैं कि अब ऑनलाइन शिक्षा एक नए विकल्प के रूप में बच्चों के सामने आई है और उससे बच्चे फायदा उठा रहे हैं इस समय जबकि स्कूल तमाम बंद है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो ये मानते हैं कि ज्यादा स्मार्टफोन्स और TV के जरिए बच्चों की पढ़ाई ना हो, पारंपरिक शिक्षा एक अच्छा जरिया होता है। तो अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आर्यन विशिष्ट हमसे ट्विटर हैंडल पर पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा पर इतना जोर दिया जा रहा है तो क्या पारंपरिक शिक्षा द्वारा पढ़ना छोड़ रहे हैं हम? आर्यन, आपको तो मालूम है कि इन परिस्थितियों में इसका इसके सिवाय कोई विकल्प आपके पास नहीं है, पहली बात तो ये। तो इसकी कभी जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, परिस्थितियों ने हमको इस प्लेटफॉर्म पर आकर के खड़ा किया है और जिसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जो पारंपरिक शिक्षा है इसको भी अध्यापक ही पढ़ाएंगे, और अभी तो वो परिस्थितियां नहीं है कि 100% सभी ऑनलाइन पर होंगी, लेकिन जो पारंपरिक हमारी जो शिक्षा है वो शिक्षा जारी रहेगी और अध्यापकों के माध्यम से ये ऑनलाइन आगे
और तेजी से बढ़ेगा, ये हमारा कार्यक्रम है जी। एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है ट्विटर पर कि क्या छात्रों के लिए लॉकडाउन में कोई प्रोत्साहन योजना या फिर ऑनलाइन शिक्षा के लिए कोई प्रोत्साहन योजना भी है क्या? आप किस तरीके की प्रोत्साहन चाह रहे हैं? आपको घर में बैठ करके हम सीधे सारे कोर्सेज को दे रहे हैं। अभी दीक्षा पर 80,000 से भी अधिक पाठ्य सामग्री है। आपको यदि कोई छात्र शोध करना चाहते हैं, अनुसंधान करना चाहता है, डिजिटल लाइब्रेरी जो हमारी है NDL 4.5 करोड़ से भी अधिक सामग्री उस पर उपलब्ध है। हमारे स्वयं पर 1,900 पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। हम स्वयं प्रभा के 32 चैनल उपलब्ध हैं और यह हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छे से पहुंचा रहे हैं। लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि इतने कम समय में और ये सारी सुविधाएं बच्चे तक पहुंचेंगी और हम इसको और पुख्ता कर रहे हैं और सशक्त करेंगे जी। और मंत्री जी, जैसा अगला सवाल हमारा फीस से जुड़ा हुआ है और जैसा हम जानते हैं कि NIT या IIT या IIIT को लेकर भी हम जानते हैं कि आपने अहम निर्णय लिया है, उसको लेकर स्कूल की फीस की जब बात हो तो फिर अभिभावक जरूर परेशान हैं। और ये देखते हुए कि आज शिक्षा मंत्री हमारे सामने है, तो एक सवाल इस तरीके का आम नागरिक के नाम से मुंबई से पूछा जा रहा है कि लॉकडाउन में भी निजी स्कूल फीस क्यों ले रहे हैं? ममता, पहली बात तो ये कि जो ये शिक्षा का विषय ही राज्यों का विषय है जी, बिल्कुल। और जो आपने कहा है कि फीस बढ़ाना, अभी IIT और IIIT या NIT को हमने कहा है, उनकी काउंसिल को हमने अनुरोध किया है कि जो हर वर्ष में वो बढ़ाते हैं, ये कोशिश करें कि इस समय वो ना बढ़ाएं, उनसे आग्रह किया। लेकिन जब राज्यों से ये बात सुनने को आई और सीधा मेरे ट्विटर पर, मेरे फेसबुक पर ये बातें आई मेरे मंत्रालय में कि 3-3, 4-4 महीने का एक साथ लिया जा रहा है, थोड़ा सा कठिनाइयों में, तो मैंने सभी देश के शिक्षा मंत्रियों से ये अनुरोध किया था कि ये संभव हो सके तो ये कोशिश करें, अनुरोध करें उन संस्थाओं के साथ भी मिल करके कि एक साथ तो 3 महीने का शुल्क न ले सकें तो ज़्यादा अच्छा है, एक साथ न लें। दूसरा, जो हर वर्ष जो शुल्क बढ़ाया जाता है क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ हैं, तो वो भी थोड़ा सा भी निवेदन किया कि क्या इस पर भी वो विचार कर सकते हैं कि इस वर्ष वो शुल्क न बढ़ाएं, जो हर वर्ष वो बढ़ोतरी करते हैं। तो ये हम अनुरोध शिक्षा मंत्रियों से किया है, सभी राज्यों से किया है, और सभी राज्य, मुझे इस बात की खुशी है कि उधर जो प्राइवेट संस्थान हैं, अध्यापक हैं और अभिभावक हैं, इनके बीच बेहतर तरीके से वो समन्वय कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट संस्थाओं का भी ये है कि भाई हम अध्यापक को वेतन दे रहे हैं तो कहाँ से देंगे, और उधर परिस्थितियां अभिभावक के सामने भी हैं, तो राज्य इसका बेहतर तरीके से रास्ता निकाल रहे हैं। और मैं लगातार शिक्षा मंत्री, पूरे देश भर के शिक्षा मंत्रियों के लगातार मैं संपर्क में हूँ। यानी ये भी एक सुझाव हो सकता है मंत्री जी कि जिनको समस्या आ रही है वो अपने राज्य के शिक्षा मंत्रियों को ये पत्र लिखें, उनको अनुरोध करें, वो कर ही रहे, वो निर्णय वो कर ही रहे, मतलब ये संज्ञान में लिया जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप में, और मेरी लगातार वार्ता हो रही है और सभी शिक्षा मंत्रियों के, सभी मुख्यमंत्रियों के ये संज्ञान में है जी। अगला सवाल लेते हैं, गौरव सिंह परमार फेसबुक पर आरा बिहार से ये बात पूछ रहे हैं। दरअसल इस साल नहीं, अगले साल के एग्जाम को लेकर ये बात हो रही है कि 2021 में जो 10वीं का एग्जाम होगा उसका सिलेबस कब तक CBSE जारी कर सकती है? मेरे को लगता है एडवांस प्लानिंग बहुत ज्यादा है यहाँ पर। गौरव, अभी इस समय को निकलने दीजिए, जो भी आगामी, मुझे लगता है अभी आप 9वीं में हैं, शायद 10वीं में गए होंगे, तो आपको इस बात की चिंता है, अच्छा होगा, बहुत खूबसूरत होगा, और जो पाठ्यक्रम होगा और जो परीक्षाएं होंगी वो भी अपने प्रकार की होंगी। बस आप तो इस समय को बहुत मस्ती के साथ अच्छा लिखिए, पढ़िए, और आपको अच्छा ही, जो आगे नई शिक्षा नीति जैसे मैंने कहा वो भी आ रही है, और अच्छा ये प्लान मिलेगा आपको, आपको खुशी मिलेगी कि आपका बेहतर, खूबसूरत और प्रखर पाठ्यक्रम आपके हाथ में होगा
जी बिल्कुल, बिहार से ही अक्षय कुमार भी ये बात पूछ रहे हैं, ये भी अगले साल के लिए पूछ रहे हैं। आपने अभी बोला कि 9वीं के हैं और 10वीं में जा रहे हैं इसलिए ये बात पूछ रहे हैं, लेकिन अब जो अक्षय कुमार सवाल पूछ रहे हैं वो हमें लगता है 11वीं में है और 12वीं में जा रहे हैं, तो इस वजह से सवाल आ रहा है कि 2021 में जो 12वीं की परीक्षा होगी तो उसमें क्या पाठ्यक्रम आधा आएगा या पूरा। मुझे लगता है मंत्री जी ये सवाल उससे लेकर हुआ है कि भाई सत्र छोटा हो जाएगा तो उसको लेकर पाठ्यक्रम में भी बदलाव होगा, तो एक छात्र की ओर से सवाल है कि भाई पूरा होगा या आधा आएगा। जाहिर है कि एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, इसकी आपको अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अभी से आप यदि इस चिंता में पड़ेंगे आधा होगा या पूरा होगा, आप इसको बिल्कुल चिंता मत करिए। आपके अनुरूप परिस्थिति के अनुरूप आपको बिल्कुल आपको लगेगा कि जो जो परिस्थितियां उनके अनुरूप आपको पाठ्यक्रम मिलेगा। मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां हैं और जो आगे हैं, हम पाठ्यक्रम को अभी भी हम लोगों ने वैकल्पिक कैलेंडर दिया है, लेकिन हम लोग पाठ्यक्रम को पूरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नई शिक्षा नीति में क्या स्वरूप होगा उस पाठ्यक्रम का वो आगे आने वाला भविष्य तय करेगा। फिलहाल तो आप वर्तमान में खूब अच्छा अध्ययन करिए और आगे आपका भविष्य तो बहुत अच्छा है। यानी इंतजार करें, सारे समय पर सारी जानकारी दी जाएगी। ऑनलाइन शिक्षा पर चूंकि इतना जोर है मंत्री जी, तो उसको लेकर कुछ कंसर्न्स भी सामने आ रहे हैं। जैसे कि इस ट्वीट में है कि ऑनलाइन शिक्षा पर इतना जोर है तो छात्र तो किताबें खरीदेंगे ही नहीं। यहाँ मुझे लगता है कमर्शियल एंगल भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा से तमाम लोग, तमाम व्यवसाय भी जुड़े हुए हैं, तो शायद उन्हीं में से एक कंसर्न ये आ रहा है कि किताबों की ओर बच्चों का रुख कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, और किताबों की ओर कभी बच्चे का रुख दूर नहीं हुआ। हाँ, कई बार परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, और जैसे आप अभी मोबाइल पर सब कुछ देख रहे हैं, किताब जो है किताब की किताब आपके पास, थोड़ा सा सिस्टम बदल गया है, तो लेकिन वो किताब ही है। और आपको तो मालूम है कि अभी हमने माई बुक माई फ्रेंड एक अभियान भी चलाया, और मुझे खुशी है कि कितना छात्रों में पढ़ने का जो है, हर व्यक्ति हर छात्र ने, मेरी जिंदगी का ये सबसे अच्छा मित्र है मेरा, ऐसा फोटो खींच करके उसको पढ़ा, पढ़े उस किताब के अंदर क्या क्या है वो भी हमको मेल किया, हमारे ट्विटर पर दिया। का मतलब है कि जो किताबें हैं वो किताबों से तो उसका रेगुलर नाता रहेगा। हाँ, ये जो किताबें हैं वो किस रूप में, कब तक हम इसको आगे क्या स्वरूप देंगे, ये धीरे धीरे बदलता चला जाएगा, लेकिन किताबें भी जिंदी रहेंगी और पाठ्यक्रम भी जिंदा रहेगा और पढ़ने की मानसिकता भी जिंदी रहेगी। और यहाँ पर छात्रों की जानकारी के लिए ये भी जानना चाहेंगे मंत्री जी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ऑनलाइन अध्ययन हो रहा है तो ऑनलाइन ही किताबें भी उपलब्ध की गई हैं, जहाँ तक मेरा ध्यान है ई पाठशाला पे भी 200 के करीब टेक्स्ट बुक्स उपलब्ध हैं। निश्चित रूप में अभी जो हमारा ई पाठशाला पर सारी किताबें हैं, CBSE ने भी अपने सब किताबों को डाला है, और जो हमारी दीक्षा है, दीक्षा पर भी सारे पाठ्यक्रम सारी पुस्तकों को आपको उपलब्ध हो जाएंगी किताबें। और किताबें तो सभी, चाहे ई पाठशाला है और चाहे दीक्षा है, और स्वयं पर भी और स्वयं प्रभा पर भी आपको अच्छा अच्छी सामग्री, और NDL पर भी आपको अच्छी सामग्री मिल जाएगी। और वैसे एक शिकायत आम होती है कि हमारे जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो पुस्तकों पर ज्यादा रुचि नहीं रखते, लेकिन लॉकडाउन के दौरान भी NBT ने भी कई, जैसे स्टे होम इंडिया विद बुक्स जैसे एक अभियान चला, आपने माई बुक माई फ्रेंड की बात की, लेकिन NBT ने भी 100 से ज्यादा पुस्तकें निकाली हैं, और वो टेक्स्ट बुक्स नहीं है, वो अन्य तरह की पुस्तकें हैं जो आप अपने फ्री टाइम में पढ़ सकते हैं। कितना अहम रहा ये। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने जो अभी किताब एक सीरीज कोरोना सीरीज करके निकाला, कितनी लोकप्रियता बढ़ी है उसकी, और लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया है। अभी हाल में उन 7 किताबों के सीरीज को हमने निकाला, बहुत खूबसूरत है वो, और मुझे लगता है कि एक समय रहा होगा जब लोगों को ज्यादा रुचि नहीं रहती होगी पढ़ने लिखने में, लेकिन अब वक्त आ गया, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत तेजी से ये लिखने पढ़ने का लोगों का मन बदला है, तो इसलिए किताबें भी रहेंगी और किताबों के
पढ़ने वाले भी बहुत अच्छे से उसको किताबों का ज्ञान ग्रहण करेंगे और उनके साथ अपनी दोस्ती को और तेजी से बढ़ाएंगे। जी, और मंत्री जी, इस क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए हमारे साथ छात्र उनके अभिभावक तो जुड़े ही हैं, लेकिन साथ ही कई बुद्धिजीवी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अगला ट्वीट हमारे पास ऋचा पांडे का आया है और ये रिसर्च को, अनुसंधान को लेकर सवाल कर रही है कि भारत में अनुसंधान की स्थिति कैसी है और इसे बेहतर करने के लिए मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है। ऋचा, आपको मालूम है कि भारत में अनुसंधान की असीम संभावनाएं हैं। आपको मालूम है कि स्पार्क जो हम दुनिया के 25 देशों के 127 अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ अनुसंधान कर रहे हैं स्पार्क के माध्यम से, स्ट्राइड इसके अंतर्विषयी शोध कर रहे हैं। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री अध्यक्षता वृत्ति में हमारे सैकड़ों सैकड़ों बिल्कुल नए तरीके के अनुसंधान कर रहे हैं, इम्प्रिंट, इम्प्रेस और स्टार्स, हमारे जितने भी शोध के ये विंग हैं अद्भुत हैं। और आपको तो मालूम है यार, मुझे ये कहते हुए संतोष है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा ये कहा है कि दुनिया का छात्र इधर पढ़ने के लिए आना चाहिए और हमारा अध्यापक दुनिया को पढ़ाने के लिए जाना चाहिए, और वो अभी स्टडी इन इंडिया के तहत अभी पूरी दुनिया के छात्र हमारे पास आ रहे हैं। 40,000 से भी अधिक रजिस्ट्रेशन हमारे स्टडी इन इंडिया के तहत हो गए हैं। और जहाँ तक अनुसंधान और शोध की ऋचा आपने चर्चा की है, उसमें आसियान देशों के 1,000 से भी अधिक छात्र IIT जो हमारे देश के IITs में उसमें शोध करने के लिए आ रहे हैं, जिसका अनुबंध हो गया, MOU हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ शोध और अनुसंधान की बहुत व्यापक संभावनाएं। और अभी तो NRF जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, जिसमें प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ तक का भी खर्च होना है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने चाह है कि अनुसंधान के क्षेत्र में भी देश शिखर पर हो, और बहुत तेजी से काम चल रहा है। और आप देखिए कि कितना अनुसंधान अपने देश के अंदर हो रहा है, इसमें कोई कमी न तो थी अभी है और न भविष्य में होने दी जाएगी। मंत्री जी, आपने अभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की बात की जो भारत में आके अध्ययन कर रहे हैं, इसी से मेरे दिमाग में, जहन में वो भी सवाल आ रहा है कि हमारे जो छात्र विदेश में पढ़ने जा रहे थे, आपने ट्वीट भी किया कि अब उन्हें भी चिंता की जरूरत नहीं है कि अगर वो विदेश नहीं जा रहे हैं तो उनको यहाँ पर ही एंट्रेंस एग्जाम्स की उनकी भी, उनके लिए भी ऑप्शंस दिए जाएंगे, विकल्प दिए जाएंगे। हाँ, निश्चित रूप में। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि हमारे देश से जो विदेशों में पढ़ने के लिए छात्र जाते थे, मैं पीछे के समय में इस एक महीने के अंदर तमाम उन छात्रों का जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया था बाहरी विदेशी विश्वविद्यालयों में, उनका चयन भी हो गया होगा, लेकिन उन्होंने अब बाहर जाने का मन बदल दिया है और वो लगातार हम पर दबाव दे रहे थे कि साहब हमारी दोबारा आप परीक्षाएँ करवा दीजिए, आप नीट की परीक्षा करवा दीजिए, आप JEE की परीक्षा करवा दीजिए, JEE एडवांस की करवा दीजिए। तो हमने ये मन बना दिया कि हम JEE की दोबारा उनको अवसर देंगे। अब वो दोबारा, इसीलिए आज मैंने सुबह ट्वीट किया था कि उन छात्रों को जो विदेश नहीं जाना चाहते हैं, अब उनके लिए बेहतर उपलब्धि है यहाँ पर, वो इन संस्थानों में अपना भविष्य तराशेंगे। तो मुझे लगता है कि वैसे भी हमारे संस्थाएं कम नहीं है। यदि आज दुनिया की शीर्ष से शीर्ष यदि बड़ी कंपनियों को देखेंगे तो वहाँ उनमें शीर्ष स्थान पर बैठे रहने वाला वो मेरी इन्हीं संस्थानों से, मेरे यहाँ के IIM, IIT, NIT, IIT और IIIT इनसे गया हुआ है। तो इसलिए हमारे जो संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, उनमें बहुत अच्छी व्यवस्थापना है और बच्चों को अब विदेश जाने की जरूरत नहीं है, ये देश उनके लिए एक अच्छा शिक्षा का प्लेटफॉर्म है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। आशु सिंह मेरठ से ये सवाल पूछ रही हैं कि आपने छात्रों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ भी कई वेबिनार किए, तो वो पूछ रही हैं कि एक तो क्या रिस्पांस रहा और अगर कोई सुझाव आपको भेजना हो तो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ आशु, आपको मालूम है और जैसे आपने बताया कि मैं लगातार अपने अभिभावकों के संपर्क में हूँ, मैं लगातार
छात्रों के संपर्क में हूँ। मैं लगातार देश के सभी शिक्षा मंत्रियों से लगातार परामर्श कर रहा हूँ। मैं देश के सभी शिक्षा को चलाने वाले जो निदेशक है चाहे शिक्षा सचिव है उनको संवाद कर रहा हूँ। मैं देश के सभी अध्यापक गण को संवाद कर रहा हूँ। मैं छात्रों से संवाद कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि जब अभिभावकों से जुड़ा तो लगभग 3.5-4 करोड़ से भी अधिक अभिभावक जुड़े मुझसे, और जब छात्रों के साथ जुड़ा तो लगभग 5.5-6 करोड़ छात्र जुड़े, अध्यापकों से जुड़ा। बहुत अच्छा अनुभव है। एक तो जो सवाल आए वो सीधा संवाद होने से बहुत सारे जो उनके मन में भ्रांतियां थी वो दूर हुई, और हम मिल करके कैसे करके इस महामारी का मुकाबला कर सकते हैं, इस संकट का सामना कर सकते हैं, या हम मिल करके जब आपस में विचार विमर्श करेंगे रास्ता निकालेंगे, और वो रास्ता हम निकाल रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा अनुभव है। मैं लगातार इसीलिए संवाद भी कर रहा हूँ, और आज जब दूरदर्शन ने ये चाहा है कि मेरे देश के सभी अभिभावक गण से और सभी छात्रों से मुझे दूरदर्शन के माध्यम से संवाद करना है, तो मैंने तनिक भी देर न करके अपनी अनुमति दी और मैं आज आपके साथ संवाद कर रहा हूँ। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे ट्विटर पर करिए, मेरे मंत्रालय के ट्विटर पर करिए। आपके विश्वविद्यालयों में प्रकोष्ठ गठित है, UGC में प्रकोष्ठ गठित है, विभिन्न संस्थानों में प्रकोष्ठ गठित है, उन पर जाकर के आप आपकी किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई कोई समस्या तो समस्या का समाधान करने की हम भरपूर कोशिश, या फिर कोई सुझाव भी हो तो वो आपको भेज सकते, बिल्कुल। नई शिक्षा नीति को लेकर भी कई लोगों ने सवाल पूछे हैं। अंशु वर्मा जो सहायक प्रोफेसर है और साथी प्रोफेसर प्रभाकर बदोनी, इन्होंने नई शिक्षा नीति को लेकर सवाल पूछा है कि नई शिक्षा नीति आ रही है तो उसे लेकर आपका विजन क्या है? प्रभाकर जी, आप तो जानते हैं और आप दोनों लोग शिक्षक हैं और सभी शिक्षक इस बात को जानते हैं कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति का, परिवार का, राष्ट्र का भविष्य होता है, और वो बच्चा जिस तरीके से शिक्षा ग्रहण करता है वही उसका आधार बनता है, और उसी आधार पर परिवार खड़ा होता है, समाज खड़ा होता है और देश खड़ा होता है। इसलिए आपको मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा मुझे नए भारत के निर्माण की संकल्पना है। कैसा भारत? जो स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, सशक्त भारत हो, समृद्ध भारत हो, एक भारत और श्रेष्ठ भारत हो। और इस नए भारत के निर्माण के लिए भी उनको जो सूत्र के रूप में उन्होंने हमको दिए वो दिया मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंडअप। आखिर इस देश में मेक इन चाइना क्यों हो, मेक इन जापान क्यों हो? हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं है, हमारे पास विजन की कमी नहीं है, हमारे पास मिशन की कमी नहीं है। और इसलिए अब वो रास्ता हम तैयार कर रहे हैं जो ये नई शिक्षा नीति जो 33 वर्षों के बाद आएगी, ये ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी से युक्त होगी। हम हर क्षेत्र में जाएंगे, हम भारत केंद्रित शिक्षा की कोशिश करेंगे, जो उसका मसौदा है वो भारत केंद्रित कैसे करके वो शिक्षा हो सकती है जो अपने ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के साथ पूरे विश्व के अंदर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि विश्व मानव बनाना है, हमने वो योद्धा की तरह विश्व में जा सकता है, हर गुण संपन्न हो, प्रखरता हो, ज्ञान और विज्ञान और अनुसंधान के हर क्षेत्र में वो आगे बढ़े। इसलिए जो ये नई शिक्षा नीति होगी, ये नई शिक्षा नीति उस नए भारत के निर्माण की आधारशिला भी होगी। और इसलिए मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा विमर्श हुआ होगा इसमें, जिसमें नीचे तक छात्र हो, अध्यापक हो, विशेषज्ञ हो, शिक्षाविद हो, NGOs हों, वैज्ञानिक हों, यहाँ तक कि ग्राम समितियों तक भी, 1.5 लाख ग्राम समितियों तक भी विचार विमर्श करके स्कूली शिक्षा से लेकर के उच्च और उच्चतम शिक्षा तक परामर्श हुआ है। और मुझे भरोसा है कि ये बहुत खूबसूरत और देश को एक नए भारत, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सशक्त भारत के आधारशिला के रूप में निश्चित होगी।
तो भी बेसब्री से इंतजार है सबको कि शिक्षा नीति जल्दी आए। एक और सवाल डॉक्टर डी हरिचंदन मुंबई विश्वविद्यालय से पूछ रहे हैं। हम जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने शिक्षा को लेकर कुछ अहम बातें आत्मनिर्भर भारत के तहत सामने रखी थी, तो उसी को लेकर वो पूछ रहे हैं कि पीएम ई विद्या, ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग, इनके शुभारंभ की जो घोषणा की है, इन पहलों का क्या महत्व होगा? डॉक्टर साहब, आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी मैं आपके ने कहा है तो आप सबके ओर से और आप सबके माध्यम से मैं अपने यशस्वी वित्त मंत्री जी का तो आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो वजन था कि वन नेशन और वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो एक एक राष्ट्र में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, उस आधार पर ई विद्या जो हम लोगों ने प्रधानमंत्री ई विद्या का जो है आगे बढ़ाया है, मुझे लगता है कि अद्भुत पहल होगी देश के अंदर। और उसी में हर कक्षा को एक चैनल भी होगा और जो उसमें पाठ्यक्रम में वो होगा, विकलांगों के लिए भी होगा। और ये जो ई लर्निंग का है, ये जो वातावरण बनेगा, इससे इसमें हमारा बच्चा हर शिखर को पहुंच सकेगा, पहुंच होगी उसकी, और उसमें शोध और अनुसंधान की जिज्ञासा पैदा होगी, उसको उसकी प्रवृत्ति के अनुसार कैसे आगे वो बढ़ सकता है, उसके बिल्कुल पूरा मैदान होगा उसके सामने, खुला मैदान होगा, कहाँ तक दौड़ सकता है। जिस तरीके से हमने अभी हैकाथॉन किया था, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, कि आओ एक खुला प्लेटफॉर्म है, कौन कौन क्या क्या कर सकता है, तो कैसी प्रतिभाएं, आप आपको तो मालूम है कि किस तरीके से हमारे बच्चों में प्रतिभाएं हैं। और एचआरडी ने भी, मंत्री जी, एचआरडी ने भी आइडिया थॉन किया, समाधान जैसी चैलेंज दिए जो बहुत अहम रहे। अभी आपने विशेष रूप से सक्षम छात्रों की भी बात की कि इसके लिए भी एक विकल्प है, और जब ये ऑनलाइन शिक्षा चल रही है लॉकडाउन के दौरान, तब ये बात महसूस भी की गई, और इसको लेकर आत्मनिर्भर भारत के तहत वित्त मंत्री ने जैसे कहा कि विशेष ई कंटेंट इनके लिए होगा, ये वाकई एक पहल अहम पहल है इनके लिए। लेकिन साथ ही मनोदर्पण की भी घोषणा की गई, और हम जानते हैं कि हमारे छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, इसका बेहतर होना भी बहुत जरूरी है। तो क्या हम ये माने कि एक बहुआयामी शिक्षा की ओर केंद्र सरकार कदम बढ़ा रही है? निश्चित रूप में जो ये मनोदर्पण का है, वो जो मनोदर्पण वाला विचार है, वो अपने में अद्भुत है। हमारे यहाँ हमेशा कहा गया है कि मन के जीते जीते है, मन के हारे हार। जिस आदमी का मन ही जीत का नहीं है, वो तो कैसे जीत सकता है? आधा तो उसके मन ये कैसा है जो आदमी का मार्गदर्शक होता है। मन यदि समृद्ध है, सशक्त है, यदि वो मन पूरी तरीके से बलशाली है, तो आदमी ताकतवर बनता है, वो मन उसको आगे बढ़ाता है। इसलिए इस छात्र का जो मनोबल है वो कैसे बना रहे, विषम और विपरीत परिस्थितियों में भी वो रास्ता निकालने का कैसे करके वो ताकत के साथ आगे बढ़े, ये जो मनोदर्पण है, वो उसकी जो मनोवैज्ञानिकता के आधार पर उसके मन को ताकत देने का जो एक अभियान है, वो इस मनोदर्पण के अंदर है, और ये भी बहुत बड़ा काम करेगा। जी, एक कुछ सवाल हमारे पास फेसबुक पेज पर, ट्विटर हैंडल्स पर भी आए हैं, वो है NIOS में DL-ED को लेकर है, और मनोज कौशिक, मोहम्मद हैदर, सौरभ चौधरी, बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने इस बात को सामने रखा है कि DL-ED NIOS के तहत इनके लिए जो आपने हाल ही में एक बयान भी दिया था, उसको लेकर उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि शुद्धि पत्र NCTE के द्वारा जल्द जारी किया जाए, क्या कहेंगे मंत्री जी? मुझे लगता है ये बहुत वर्षों से समस्या थी, और जिसमें बहुत सारे अध्यापक गण जो छात्र उससे जुड़े हुए थे, उनकी समस्या थी। हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था, और मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा कि जो हाई कोर्ट का आदेश है, उस आदेश का हम लोग सम्मान करेंगे, और मुझे खुशी है कि उसका हमने सम्मान कर दिया है। एक दो दिन में उसका शुद्धि पत्र भी जारी हो जाएगा, और जो वो अधर में है उनका रास्ता
साफ हो जाएगा। जी, तो ये आश्वासन सबके लिए है और शिक्षा के विभिन्न आयामों को लेकर मंत्री जी आपने जवाब दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिन जिन लोगों ने अपने सवाल पूछे हैं वो जरूर जवाब से आश्वस्त रहे होंगे और जैसे जैसे वक्त आगे बीतेगा COVID-19 महामारी के चलते जैसे जैसे हालात बदलेंगे वैसे वैसे तमाम स्थिति और स्पष्ट होती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी हमारे बीच आकर DD News के प्लेटफॉर्म पर हमारे मंच पर इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।